गॉड ऑफ ऑनर के साथ ही 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला ने संभाली दुर्ग जिले की कमान। वहीं दुर्ग एसपी ने चार्ज लेते ही दो टूक में अपनी बात कहते हुए कहा कि बेसिक पुलिसिंग ही मेरी प्राथमिकता होगी, साथ ही नशे और अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से इंतजार के बाद राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर सूची जारी कर दी है। राजधानी रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, सरगुजा, बिलासपुर, जशपुर सहित 25 जिलों के एसपी को तबादला किया गया है। इसी कड़ी में आज 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र शुक्ला ने बतौर पुलिस कप्तान दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना चार्ज संभाला, जहां दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचते ही सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सभी पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ले जाया गया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक पद के लिए हस्ताक्षर कर अपना फिर उन्होंने चार्ज लिया। इसके बाद नए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बारी बारी सभी उपस्थित पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान दुर्ग एडिशनल एसपी अभिषेक झा, दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा सहित तमाम उपस्थित पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर रूबरू हुए। इस संबंध में नए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। सबसे पहले तो सभी लोगों को धन्यवाद। आज अभी मैंने दुर्ग एसपी ज्वाइन किया है। ज़िले की प्राथमिकता मैं एक हफ्ते बाद शायद ज़्यादा बेटर बता पाऊँगा, क्योंकि दुर्ग ज़िले में ये मेरा पहला आमद है। इसके पहले मैं राजनांदगांव एसपी ज़रूर रहा, बट तब भी दुर्ग से उतना मैं अटैच नहीं था, तो मैं एक हफ्ते बाद ज़िले की प्राथमिकता के हिसाब से ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। एज ए पुलिस अधीक्षक ये मेरा छठवां ज़िला है और हमेशा मेरी प्राथमिकता बेसिक पुलिसिंग रही है। मैं हमेशा टारगेट करता हूँ कि पुलिस जनता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण बने, रिस्पॉन्सिबल बने और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे। और लकली 5 जिले तक मैं सफल रहा हूँ। दुर्ग थोड़ा चैलेंजिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तरफ से और जनता की तरफ से भी पुलिस को पूरा सहयोग मिलेगा और इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि पुलिस वैसी ही दिखेगी जैसा जनता देखना चाहेगी। बेसिक पुलिसिंग एक वैसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपना काम करते हो तो अन्य कोई काम अतिरिक्त तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुलिस को किसी के नाम की ज़रूरत नहीं, प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं। पुलिस अपने आप में खुद ब्रांड है और बेसिक पुलिसिंग उसका कार्य प्रणाली का एक बेहतर तरीका है। बेसिक पुलिसिंग बहुत सिंपल से बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो कंप्लेनेंट आपके थाने पे आ रहा है, ऑफिसेज में आ रहा है, उसकी कंप्लेंट पे आवश्यक उचित कार्रवाई हो जाए, उसको जो राहत चाहिए वो राहत थाने से या ऑफिसेज से मिल जाए, इतने ही से मतलब पुलिसिंग का पूरा काम हो जाता है। 60-70% सारा काम, चाहे वो लड़ाई झगड़ा, दारू नशा सब कुछ, ये सब उससे हैंडल हो जाता है। तो बेसिक पुलिसिंग मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता मेरी हमेशा रही है नशे पे जीरो टॉलरेंस। किसी भी प्रकार का नशा सोसाइटी को तो खराब करता ही है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी खराब करता है। और पुलिसिंग के लिए बिना मतलब का ज़बरदस्ती का चैलेंज बनाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्राइम स्टार्ट नशे से हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े से लेके छोटे छोटे ऑफेंसेस, चोरियाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े क्राइम तक, तो वो नशे से स्टार्ट होते हैं। मेरी पॉलिसी रही कि हम जीरो टॉलरेंट रहें, नशे पे कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी के भी द्वारा, और नशे पे सख्त एक्शन के साथ नशा बंद कराने की प्राथमिकता रहेगी, जिससे पुलिस का थोड़ा बहुत हेडक कम हो और पुलिस बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सके। तो यही दो मेरी अभी प्राथमिकताओं में है। बाकी जैसे जिला चलेगा तो जिला आगे पता चलता जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से मैं दोनों चीज़ें अलग देखता नहीं। पुलिसिंग खुद ही कम्युनिटी पुलिसिंग। आप पुलिसिंग क्या करोगे? पुलिसिंग क्या मंगल ग्रह पे करोगे क्या? यहीं पे मोहल्ले में जाओगे, शिकायत करता आ रहा है वो अपनी शिकायत लेकर आएगा तो मोहल्ले जाना पड़ेगा, लड़ाई हुआ है घटना स्थल जाना पड़ेगा, कुछ हुआ है घटना स्थल जाना पड़ेगा, 10 लोगों के बयान लेने पड़ेंगे, पंचनामा करना पड़ेगा, चार और बयान काटने पड़ेंगे, तो
तो सब तो कम्युनिटी से ही कर रहे हैं, अतिरिक्त कम्युनिटी पुलिसिंग जैसा कुछ जरूरत नहीं है, पुलिसिंग अपने आप में कम्युनिटी पुलिसिंग है। अभी मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने ज्वाइन करने के पहले मेरे को बताया गया, और मैं देखूंगा कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की परिभाषा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर खुद से जॉब के लिए हम गए और फिर वहाँ जाके फंसे हुए हैं तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे अपना कंसेंट के साथ जॉब कर रहे थे और बहुत दिन तक जॉब ठीक चल रही थी, अब अभी अचानक से पता नहीं चल रहा है और जांच करके पता चलेगा कि ट्रैफिकिंग है या नहीं है। हम कांटेक्ट में हैं, मतलब जो ओमान के दूतावास है उसके कांटेक्ट में हैं और कोशिश कर रहे हैं उसका आइडेंटिफाई। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी तरीके का अपराध पुलिस के लिए चैलेंज भी है, और अपराध अगर हम निकाल करते हैं तो पुलिस की साख पब्लिक में भरोसा विश्वास पैदा करता है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट आ रही है, अपराध हो रहे हैं, उस पर अगर वाजिब और उचित कार्यवाही समयबद्ध तरीके से कर दी जाए तो पुलिस का रौबदाब भी कायम रहता है और पुलिस का विश्वास जनता में बना रहता है। तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि पुलिस जनता की अपेक्षाओं और विश्वास पर खरा उतरे। बैठ के प्लान करेंगे। आप लोगों के पास भी ऐसे कोई सजेशंस हो तो आप लोगों का सजेशंस का स्वागत है। अच्छे सजेशंस जो होंगे, जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, वो हम एक्सेप्ट करके कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक समस्या से सभी को निजात दिलाएं। ट्रैफिक में जो टाइम ख़राब हो रहा है, कोशिश करेंगे कि पूरा टाइम बचाएं। इसके अलावा अवैध कारोबारियों को क्या संदेश है? एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।